अगला सवाल, I1 I2 का क्या वैल्यू होगा? मैंने एक सवाल करवाते हुए क्या कहा था लास्ट क्लास में कि जब कभी मेरे को पूरे सर्किट का मेन करंट पूछे बगैर ब्रांच करंट है ना पूछा जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ब्रांच करंट को जानने के लिए मेरे को मेन करंट जानना जरूरी है, देन इट बिकम्स इजी, राइट। तो इसका मतलब भले ही मैंने मेन करंट का मतलब क्या होता है, जो करंट कौन ड्रॉ करता है, मेन करंट कौन सा करंट है, बोलो, बहुत सिंपल बात है। तो मेन करंट किसको बोलते हैं राहुल? मेन करंट लास्ट क्लास में भी इस वर्ड का यूज़ कर रहे थे कई बार, मेन करंट किसको बोलते हैं? मेन करंट वो जो बैटरी से ड्रॉ होता है, बैटरी से जो नेट करंट, जो टोटल करंट बैटरी से ड्रॉ होगा वो मेन करंट। कहने का मतलब है कि ये बैटरी यहाँ से जो करंट ड्रॉ होगा वो होगा आई मेन। अब मेन करंट ड्रॉ करने का काम किसका है, कौन मेन करंट कितना ड्रॉ होगा कौन डिसाइड करेगा? पूरा सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव, पूरा अक्रॉस द 8 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज, 8 वोल्ट का जो बैटरी है, 8 वोल्ट बैटरी से मेन करंट ड्रॉइंग काम किसका है? पूरा सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो देखो, ना तो मैंने मेन करंट पूछा ना आर इफेक्टिव पूछा, लेकिन अल्टीमेटली तुमको निकालना है। तो यानी कि तुम्हारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, फर्स्ट फाइंड आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव फाइंड आउट करोगी तो तब तुमको मेन करंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा, है ना। आर इफेक्टिव पहले कैलकुलेट करो तो तुमको मेन करंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा, और फिर मेन करंट जानने के बाद वी कैन यूज इट फॉर गेटिंग ब्रांच करंट। मैं एकदम सर्किट का आर इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या है कि सर्किट का फार्देस्ट जो नेटवर्क होता है बैटरी के नज़दीक से नहीं, पूरा सर्किट को रिड्यूस करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जब चूँकि देखो पूरा सर्किट कैसा हुआ, पहले मेन करंट गया एक जगह ब्रांच होगा, फिर वो ब्रांचिंग फर्दर और ब्रांच होगा, तो जैसे एक साइड से दूर गया और फिर समेटते हुए वापस आ रहा है, यही ना करंट का ऑर्डर है। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये अगर आई मेन है तो आई मेन यहाँ दो ब्रांच में, मान लो इधर आई टू आया तो इधर गया, मान लो आई डैश, आई का दो पार्ट हुआ, एक आई डैश और दूसरा आई टू, ये आई डैश ही फर्दर यहाँ आई वन और इधर हम आई वन डैश मान सकते हैं। तो फाइनली जो लास्ट ब्रांचिंग ऑफ करंट है वो कहाँ हुआ, इन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, मान लो ए बी, तो ए और बी के बीच में दो पैरेलल ब्रांच है, एक में आई वन है दूसरे में मैंने आई वन डैश एज्यूम कर लिया, तो अल्टीमेटली आई वन डैश दो रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहा है, तो ये दोनों सीरीज है, तो R प्लस आर, टू आर के साथ ये R, तो टू आर और R पैरेलल होता तो क्या होता है, तो यानी कि मेरे को R ए बी मिल गया, A से B के बीच में 2R/3, क्लियर है। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद चले आओ ये दोनों पॉइंट, लेट इट बी सी डी। अब मैं ये 1, 2, 3 रेजिस्टेंस को हटा के इन बिटवीन ए बी 2R/3 डाल सकता हूँ। तो देखो ये है C, ये है D, तो C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, C से A तक एक रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ A और B के बीच में मैं एक रेजिस्टेंस 2R/3 वाला डाल सकता हूँ, हाँ या ना, क्लियर है। तो अल्टीमेटली
सी और डी के बीच में मेरे को क्या दिख रहा है कि सी से यहाँ जो मेरा आई डैश एज्यूम था वही आई डैश यहाँ फर्दर स्प्लिट हुआ था, तो जब ये पूरा दोनों स्प्लिटेड ब्रांच को रिड्यूस करके एक कर लिया तो ये आई डैश है, इधर हमारा आई टू, तो आई डैश अल्टीमेटली ये दोनों से फ्लो कर रहा है, तो आर और टू आर बाई थ्री सीरीज, तो ये आर प्लस टू आर बाई थ्री सीरीज में एडिशन होगा, तो आर प्लस टू आर बाई थ्री फाइव आर बाई थ्री, तो ये फाइव आर बाई थ्री और ये आर पैरेलल, तो कितना हो जाएगा आर सी डी, आर सी डी होगा आर इन टू फाइव आर बाई थ्री डिवाइडेड बाई आर प्लस फाइव आर बाई थ्री। कोई भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल होने पे उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों का सम कैसे आता है, वो रेसिप्रोकल एडिशन का जो जनरल फार्मूला है उसको सिंप्लीफाई कर देगा तो यही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 5R by 3 डिवाइडेड by नीचे से क्या होगा 8R by 3, 5R square by 3 डिवाइडेड by 8R by 3। तो इसका मतलब मैं 3 कैंसिल कर सकता हूँ, एक R कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये हो गया 5R by 8। तो C और D के बीच में मेरे को यानी कि इतना को हटा के मैं एक 5R by 8 रख सकता हूँ, तो अल्टीमेटली सी और डी के बीच में मेरे को अगर एक 5R by 8 बैठा दे तो दैट 5R by 8 इज अल्टीमेटली इन सीरीज विद दिस टू रेजिस्टर, तो यानी कि मेरे को पूरा सर्किट का R इफेक्टिव मिल गया, दैट R इफेक्टिव इज R प्लस 5R by 8। हाँ या ना, तो कितना हो गया ये 21R by 8। सो मेरे को पूरा सर्किट का आर इफेक्टिव मिल गया, कितना आया 21R/8। समझ में आया सबको, ईच एंड एवरी स्टेप्स क्लियर है, फाइन। तो अब जैसे मेरे को आर इफेक्टिव मिल गया, अब मैं मेन करंट निकाल सकता हूँ, आई मेन क्या होगा अप्लाइड वोल्टेज बाय आर इफेक्टिव, अप्लाइड वोल्टेज 8 वोल्ट, आर इफेक्टिव कितना है 21R/8, तो इसका मतलब क्या हो गया 64/21R। हाँ या ना, 64 डिवाइडेड बाय 21R, ये आई मेन हो गया। यहाँ तक क्लियर है, बाउंस हुआ PTUJ, बोलो क्या बताया, PTUJ जूनियर तो आई मेन हो गया 64/21R, ये मेन करंट हुआ। अब इसी का दो ब्रांच वैल्यू मेरे को निकालना होगा, क्या क्या है, एक I1 I2, I1 बाद में टूटा अकॉर्डिंग टू डायग्राम, पहले फर्स्ट स्प्लिटिंग में कौन आया I2, तो मेरे को पहले I2 चाहिए। I2 किस में से पार किया, यहाँ, अच्छा तो ये वाला I2 है। अब देखो इधर से I मेन करंट गया, यहाँ से I2 और I- बटा था ना, तो I2 वाला पार्ट और I- वाला पार्ट इन बिटवीन सी एंड डी I2 गया। तो याद करो पैरेलल ब्रांच में आउट ऑफ टू पैरेलल ब्रांच किसी एक ब्रांच का करंट का टेक्निक क्या हम लोग किया था, जिस ब्रांच का करंट उस ब्रांच का करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू उन दोनों के बीच में आई इफेक्टिव इनटू आर इफेक्टिव। हाँ तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्या था, इन बिटवीन सी से डी के बीच में I2 है, तो क्या कॉन्सेप्ट याद करो, बिटवीन सी एंड डी टेक्निक क्या था, जिस ब्रांच का उस ब्रांच का करंट इनटू उस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है आर इज इक्वल टू वही दो पॉइंट के बीच में आई इफेक्टिव इनटू आर इफेक्टिव। तो सी और डी के बीच में आई इफेक्टिव क्या है, मेन करंट ही तो बचा बटा था ना, तो दैट इज आई मेन इनटू आर इफेक्टिव, कौन सा आर सी डी, आर सी डी कितना आया था, वाह बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, तो कितना हुआ R कैंसिल हो गया, तो I2 कितना हुआ,
आई टू इज इक्वल टू 5/8 ऑफ आई मेन, हाँ या ना? सिंपल हो गया, आई मेन मेरा निकला था कितना, 64/21 आर, 64/21 आर आया था मेरा आई मेन वैल्यू। तो आई टू कितना हो गया, आई टू हो गया 5/8 इंटू आई मेन, दैट इज 64/21 आर। बुझते पারছো? 41/21 आर इज द वैल्यू ऑफ आई टू। चलो देखे ये वाला कितना समझ में आया, इन द सेम वे गेट द वैल्यू ऑफ आई वन एंड टेल मी। आई वन का वैल्यू तुम लोग निकालो, सेम टेक्निक दैट इज टू बी अप्लाइड इन बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज आई वन इज अवेलेबल इन वन ब्रांच इन बिटवीन ए एंड बी। जब भी प्रैक्टिस करो तो इस तरह, जैसे मैं जंक्शंस को मार्क कर लेता हूँ, उस तरह से प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा। क्या किया है बताओ? क्यों आई मेन के साथ क्यों करेगी? आई वन किसका टूटा हुआ पार्ट है? आई वन ज्योमेट्री डायग्राम देखो, ध्यान से देखो, आई वन जो है किसका टूटा हुआ हिस्सा है? आई डैश। सो फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आई वन फॉर यू आई मेन, जिसका वो टूटा हुआ हिस्सा होता है, क्योंकि तुम यही टेक्निक इन बिटवीन ए एंड बी लगाओगी ना, तो ए और बी में मेन करंट कितना है, सर्किट का मेन करंट ए से बी तो नहीं जा रहा, आई डैश जा रहा है। तो आई डैश क्या था, आई मेन का एक पार्ट आई टू चला गया था, रिमेनिंग पार्ट वॉज आई डैश। तो आई टू अगर 5/8 ऑफ आई मेन है तो आई डैश कितना है? 3/8, करेक्ट। सो आई डैश हो गया आई माइनस आई टू, यानी वो 3/8 ऑफ आई मेन और आई जो भी कहो। टोटल करेंट में से आई टू 5/8 पार्ट है, तो रेस्ट पार्ट तो आई डैश है ना। अच्छा क्लियर है, समझ रहे हो, टेक्निक क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। लिखा है ये वाला पार्ट, हाँ छापा है कि नहीं? छापना जरूरी है। तो अब वही टेक्निक अप्लाई करेंगे बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो मेरे को ए और बी में आई वन वाला वैल्यू चाहिए, तो करेंट इन दैट ब्रांच आई वन इंटू उस ब्रांच का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ए और बी के बीच में मेरा इफेक्टिव वैल्यू क्या है, आई डैश, और ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या था। देख रहे हो हर एक कैलकुलेशन कितना काम आ रहा है। अब आई डैश का फर्दर इन टर्म ऑफ आई मेन मिल गया 3/8 ऑफ आई, ठीक है। तो हम यहाँ एक आर को उड़ा सकते हैं, फिर लिख सकते हैं आई वन इज इक्वल टू 2/3 इन टू आई डैश, आई डैश कैन फर्दर बी रिटेन एज 3/8 ऑफ आई। तो यानी कि आई वन क्या हो गया, 1/4 ऑफ मेन करेंट। अल्टीमेटली आई वन कितना हुआ, 1/4 ऑफ मेन करेंट। तो देख रहे हो थोड़ा सा अगर टेक्निक पर फोकस करे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा प्रैक्टिस रखे, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस के साथ ट्यूनिंग रखे, तो फिर कितना भी बड़ा सर्किट हो, किसी भी इंटरमीडिएट ब्रांच का करंट पूछे, पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ बनेगा सवाल, हाँ या ना? सिंपल सा, जनरली मैं इतना सवाल सिंपल सवाल ही कराता हूं। केस वन, व्हेन एस वन इज क्लोज्ड
बट इज टू ओपन फाइंड आई मेन सेकेंड पार्ट व्हेन बोथ एस वन एंड एस टू आर क्लोज्ड फाइंड न्यू करेंट ड्रॉन फाइंड न्यू करेंट ड्रॉन। सिंपल सा सवाल है। सेकेंड केस में ना देखो केस वन को सॉल्व करेंगे, केस वन को सॉल्व करेंगे व्हेन एस वन इज क्लोज्ड, व्हेन एस वन इज क्लोज्ड, सिर्फ जब एस वन क्लोज्ड है तब तो सिर्फ ये वाला सर्किट क्लोज लूप बनेगा, ऊपर वाला तो क्लोज लूप नहीं है। तो उस वक्त का आई मेन हो जाएगा करेंट विल बी ड्रॉन ड्यू टू द ओनली सिंगल रेजिस्टेंस आर दिस वन, दिस वन इज कनेक्टेड टू द बैटरी, तो करेंट हो जाएगा वी बाई आर। ठीक है। अच्छा केस टू में चले जाएंगे व्हेन बोथ आर क्लोज्ड, व्हेन बोथ एस वन एंड एस टू आर क्लोज्ड, अब तब पूरा का पूरा क्लोज लूप बन जाएगा। अब क्या होगा, एस वन तो क्लोज था ही, एस टू भी क्लोज हो गया, तो ये एडिशनल तीन रेजिस्टेंस जो है जो एस टू वाले ब्रांच में है वो सीरीज है, तो आर प्लस आर प्लस आर थ्री आर हो गया। ठीक है। तो यानी कि यहाँ से इससे जो मेन करेंट अब मान लो आई डैश जो ड्रॉ होगा सेकेंड केस में जब दोनों क्लोज्ड है, तो आई डैश जो ड्रॉ होगा उसमें से मान लो इसका पार्ट आई वन इसका पार्ट आई टू, तो जो आई वन है आई वन तो भाई उतना ही रहेगा वी बाई आर, कारण है कि एस टू क्लोज कर देने से भी ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो वेरी नहीं किया ना, जब S1 क्लोज था तब भी ये दोनों पॉइंट बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड था, जब S2 क्लोज किया तब भी ये दोनों पॉइंट स्टिल वही बैटरी का वही दो टर्मिनल से कनेक्टेड है। सो VAB रिमेन्स अनचेंज्ड, VAB रिमेन्स अनचेंज्ड इन टू केसेस, आइदर इट इज इन केस वन और इन केस टू। तो जो S1 वाला ब्रांच है उसमें से करेंट पास सेम करेगा, पहले जितना करंट पास कर रहा था अभी उतना ही करंट पास करेगा। हाँ सेकेंड केस में करंट ड्रॉइंग डिफर कर जाएगा, कारण है अब सेकेंड केस के अकॉर्डिंग आई वन वी बाई आर है एंड आई टू जो है वो हो जाएगा वी बाई थ्री आर, ऊपर वाले ब्रांच में जो वो भी ए और बी में ही कनेक्टेड है, तो ये आई टू ऐसे जाएगा, आई टू ऐसे पास होगा यहाँ आई वन के साथ मार्च करके ये आई डैश वापस आएगा बैटरी में, समझ में आया। तो यानी कि सेकेंड केस में आई डैश दैट इज द मेन करेंट, मेन करेंट जो है वो हो गया आई वन प्लस आई टू दैट इज वी बाई आर प्लस वी बाई थ्री आर। हाँ तो फोर वी बाई थ्री आर, टोटल करंट को देखेंगे तो फोर वी बाई थ्री आर, लेकिन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है सेकेंड पार्ट में कि व्हेन एस टू इज क्लोज्ड, बोथ एस वन एंड एस टू आर क्लोज्ड, फाइंड न्यू करंट ड्रॉन। हाँ मतलब जो स्विच वन वाला जो पार्ट है वो केस वन में जितना करंट पास कर रहा था वही मेन करंट ड्रॉइंग था, और वही पहला जब फर्स्ट केस में मेन करंट भी इतना ही था और वो मेन करंट पूरा इसी से पास कर रहा था, ये था क्लोज लूप केस वन में। केस टू में एक और क्लोज लूप अटैच हुआ, लेकिन पहला जो क्लोज लूप था एस वन वाला उसमें स्टिल सेम करंट का ही रिक्वायरमेंट है, यानी कि केस वन से केस टू में चेंज होने से
जो चेंज इन करंट ड्रॉइंग हुआ वो I2, यानी कि लैंग्वेज के हिसाब से न्यू करंट कितना ड्रॉ हुआ। पहले तो V by R पहले भी तो ड्रॉ हो रहा था, अब एडिशनल कितना ड्रॉ हुआ, तो आंसर विल बी V by 3R। सो इसमें आंसर लिखेंगे V by 3R इज द न्यू करंट ड्रॉन, न्यू करंट ड्रॉन आफ्टर क्लोजिंग S2। S2 को क्लोज करें, S1 तो पहले ही क्लोज था, सेकेंड केस में तो ऑलरेडी S1 क्लोज था फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, तो सेकेंड केस में उन्होंने एडिशनल क्या किया, S2 को क्लोज किया, यानी कि S2 को क्लोज करने के बाद जो टोटल करंट ड्रॉइंग है वो इंक्रीज हुआ, कितना से इंक्रीज हुआ, V by 3R से। तो यानी कि सेकेंड केस में जो टोटल करंट आया 4/3R, ये मत सोचो कि फिर से 4/3R ड्रॉ हुआ, नहीं, एडिशनल जो इंक्रीज इन करंट हुआ सिर्फ वो ड्रॉ होता है फ्रॉम वन स्टेडी स्टेट टू अनदर स्टेडी स्टेट। इसीलिए लैंग्वेज अगर होगा कि न्यू करंट ड्रॉन आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो वो आंसर होगा कि एडिशनल करंट जो ड्रॉ हुआ वो। समझ में आया बात, क्लियर है?